तीन जादुई मुर्गियाँ। ये कहानियाँ हैं सरोजनी नगर की, जहाँ अनिल और नीलम का अंडों का छोटा सा व्यापार था। उनके पास 4-5 मुर्गियाँ थी, उन्हीं से वो अपना छोटा सा व्यापार चलाते थे। अजी सुनते हो, मैंने मुर्गियों के अंडे की क्रेट बना ली है, अब आप इनको दुकानों पर बेच सकते हैं। ठीक है मैं बेच आता हूँ, वैसे भी सिर्फ इस काम से ही हम अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। इतना कहकर अनिल अंडे की क्रेट ले जाकर बाजार में बेच आता है। जब वो घर आता है तो नीलम उससे कहती है, अरे आ गए आप, कितने पैसों की आमदनी हुई आज? आज तो 500 की ही हुई है नीलम। चलो ठीक है, 2-3 दिन तो ऐसे चल ही जाएंगे, क्योंकि मुर्गियाँ अभी आजकल बीमार चल रही हैं और कुछ तो अभी छोटी हैं, वो एकदम से अंडे नहीं दे पाएंगी। हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो। ऐसे ही उनके परिवार में सब सही चलता है। जब मुर्गियाँ अंडे देती हैं, अनिल बाजार में बेच देता है और उन्हीं पैसों से अपना घर चला लेता है। पर मौसम बदलने के कारण अनिल की मुर्गियाँ बहुत बीमार हो जाती हैं। अजी हमने इन मुर्गियों पर अपनी सारी कमाई लगा दी है, पर ये सही होने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं, बल्कि और बीमार हो चुकी हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। अनिल की सारी मुर्गियाँ अब बीमार होकर मर जाती हैं। वहीं एक दूसरा परिवार था जिसमें सुरेश और कविता थे। वो इतने गरीब थे कि अपनी मुर्गी को पाल ही नहीं पा रहे थे, ना ही उसे कुछ खाने को देते थे। कविता, हमारी इन मुर्गियों से हमारा कुछ काम तो चल ही नहीं रहा है, बल्कि ये हमारा खर्चा और बढ़ा रही हैं। हाँ जी, आप इन्हें बेच दो, पर बेचने से पहले 2-4 दिन इन्हें अच्छा खाना खिलाओ, जिससे अच्छा कस्टमर फंस जाए और इनके सही दाम मिल जाएं। हाँ हाँ सही कहा तुमने। सुरेश फिर उधार कुछ पैसे लेकर मुर्गियों को अच्छा खाना पीना खिलाता है और फिर बाजार में पैसों के लालच में उन्हें बेचने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिल नीलम से कहता है, नीलम हमारी तो सारी मुर्गियाँ मर गई हैं और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं बचे हैं, हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। हाँ जी, कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, वरना हम भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ 4-5 मुर्गी ले आऊँ बाजार जाकर। हाँ हाँ ले आइए, पर पैसे कहाँ से लाएंगे आप? थोड़े पैसे जमींदार से मांग लेता हूँ, फिर लौटा देंगे जब हमारा काम चल जाएगा। हाँ हाँ ये सही है। अगले दिन अनिल जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर बाजार में मुर्गियों की खोज पर निकल जाता है। तभी उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है। वो अपनी 2 मुर्गी पर 1 मुर्गी मुफ्त देता है और वो भी सिर्फ 5,000 रुपए में। अनिल उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। भाई साहब, आप इतने सस्ते में मुर्गी क्यों बेच रहे हैं? हम अब शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ हम मुर्गियों का क्या करेंगे। हाँ हाँ ये बात तो सही कही आपने, ये 3 मुर्गी आप मुझे दे दो। ठीक है भाई ले लो। अनिल खुश होकर मुर्गी अपने घर लेकर आता है। नीलम ये देखो, हमारी किस्मत कितनी अच्छी थी, 2 मुर्गियों पर 1 मुर्गी फ्री मिली है और वो भी इतनी सस्ती। हाँ हाँ देखो, भगवान ने हमारी मजबूरी को समझ लिया। फिर कुछ टाइम बाद जब मुर्गियों का अंडा देने का समय आता है तो मुर्गी अंडा नहीं देती है और 2 दिन बाद वो बेहोश भी हो जाती है। नीलम देखो इनको क्या हो रहा है, इन्होंने तो अभी अंडे भी नहीं दिए हैं और ये बीमार पड़ गई हैं। हाँ जी पता नहीं क्या हुआ, आप इन्हें डॉक्टर को दिखा लीजिए। अनिल डॉक्टर को बुलाता है। मुर्गियों के इलाज के लिए अनिल को फिर से जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। फिर वो मुर्गियों का इलाज करवाता है। नीलम अब तो सब खराब हो रहा है, अब मुझे कोई भी पैसे उधार नहीं दे रहा और ये मुर्गियाँ भी सही नहीं हुई है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तभी जमींदार उनके घर आता है। अनिल कहाँ है तू, मेरे पैसे दे। 1-2 दिन करके तूने 1 महीना निकाल दिया पूरा और अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। जमींदार साहब मैं आपके पैसे दूंगा, बस मुझे कुछ दिन का समय और दे दीजिए। बस 2 दिन और देता हूँ तुझे, अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम सही नहीं होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर अनिल नीलम से कहता है, नीलम देखा
कर्जदार भी आना शुरू हो गए हैं और पैसों का जुगाड़ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप हिम्मत मत हारो, कुछ न कुछ तो होगा ही। इतने में एक बाबा उनकी कुटिया के सामने आकर गिर जाते हैं। अजी देखना, इन बाबा को क्या हो गया है, ये तो बेहोश हो गए हैं। हाँ हाँ, मैं आता हूँ। फिर वो दोनों बाबा को पानी पिला देते हैं। फिर बाबा को होश आता है। बाबा, अब कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं भूख के कारण बेहोश हो गया था। कुछ खाने को हो तो मुझे खिला दो। हाँ बाबा, मैं अभी खाने को लाती हूँ। अनिल और नीलम बाबा को खाना खिला देते हैं और बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बाबा की नजर अनिल की बीमार मुर्गियों पर पड़ती है। बेटा, तुम्हारी ये मुर्गियाँ तो बीमार पड़ी हैं। ये तुमने क्यों रखी हैं? बाबा, मैं आपको क्या बताऊं? ये मुर्गियाँ मुझे किसी ने धोखे से दे दी है और मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया है, पर ये सही ही नहीं हो रही हैं। सब कहते हैं कि मैं भी इन्हें धोखे से बेच दूं। तो तुमने क्या सोचा है? क्या तुम भी धोखा दोगे? नहीं बाबा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो जानवरों पर अत्याचार करे, और इनके चक्कर में मैंने इतना कर्ज ले लिया है कि अब कर्जदार भी घर पर आने लगे हैं। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो बेटा, अब ये मुर्गियाँ तुझे और कर्ज में नहीं डुबाएंगी, बल्कि तुझे एक बड़ा आदमी बना देंगी। बाबा उन मुर्गियों पर अभिमंत्रित पानी छिड़क देता है और तीनों मुर्गियों का रंग बदल जाता है। एक मुर्गी सोने के रंग की हो जाती है, दूसरी हीरे जैसी चमक रही थी, और तीसरी लाल रंग की हो जाती है। अब बेटा, ये अब जादुई मुर्गियाँ बन चुकी हैं। जादुई मुर्गी? कैसे बाबा? अभी तुम खुद ही देख लो। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है, दूसरी मुर्गी हीरे देती है और तीसरी मुर्गी पैसे देती है। अनिल ये देख कर बहुत खुश हो जाता है। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तो सारी परेशानियां ही हल हो गई है। सच में बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बेटा, ये जादुई मुर्गी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। फिर अनिल उन सब चीजों से अपना अंडों का बड़ा सा बिजनेस शुरू कर लेता है और एक बड़ा आदमी बन जाता है। फिर ये बात सुरेश को पता चलती है और वो अनिल के घर आता है। भाई, मुझे मेरी मुर्गी वापस दो, मुझे अब वो नहीं देनी है। ये क्या बात हुई? एक तो तुम मुझे धोखा देकर गए और अब पता चला कि वो जादुई मुर्गी है तो वापस मांग रहे हो। तभी सुरेश देखता है कि नीलम अपनी जादुई मुर्गी के पास थी, और फिर से जादुई मुर्गी एक सोने का अंडा देती है, दूसरी हीरे देती है और तीसरी पैसे देती है। सुरेश को ये देखकर लालच आ जाता है और वो जल्दी से मुर्गी के पास जाता है। तुम मेरी मुर्गी हो, अब मुझे ही सोना दोगी, चलो मेरे साथ। और जैसे ही सुरेश मुर्गी को छूता है वो जल जाता है। तभी वो तीनों मुर्गी एक विशाल मुर्गी में बदल जाती है और गुस्से से कहती है, पापी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जब हम तेरे पास थे तुझे हमारी कदर नहीं थी, अब अपने लालच में आकर हमें लेने आया है। हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा शरीर ऐसे ही जलता रहेगा। इतना कहकर विशाल मुर्गी दोबारा से तीन मुर्गियों में बदल जाती है। फिर अनिल बाकी के पैसे गांव की बढ़ोतरी में लगाता है। फिर ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो भी लालच में आकर अनिल के घर चोरी करने आता है। इस अनिल के बच्चे की जादुई मुर्गी अगर मैं चुरा लूंगा तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, चलो अंदर चलता हूँ। फिर जमींदार जैसे ही मुर्गी के पास आता है तीनों मुर्गी आवाज करने लगती हैं और फिर जमींदार पर हमला कर देती हैं, जिससे जमींदार घायल हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तीनों जादुई मुर्गियाँ अनिल को ऐसे ही सोने का अंडा, हीरे और पैसे देती हैं। इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपनी ईमानदारी और नेकी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा ही अच्छा होता है और लालच का फल हमेशा बुरा।